नेशनल हाईवे पर लूट के दो आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अंता के निकट नेशनल हाईवे 27 पर गत दिनों हुई लूट का खुलासा करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वही तीन साथियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। डीएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया कि नेशनल हाईवे पर दो अलग अलग जगह लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसमें जोडलिया हनुमान जी मंदिर के पास बारान से सीमलिया जा रहे बाइक सवार युवक को निशाना बनाते हुए मोबाइल सहित नकदी की लूट की गई थी। इसी तरह 16 जून को सुल्तानपुर से बाइक से बारान आ रहे दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल तथा बाइक की लूट की गई थी। इस मामले में गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी लक्ष्मी चंद वर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई है। लूट के मामले में आशिक व रंजीत को गिरफ्तार किया गया, अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अंता से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। लूट के आरोपी पकड़े गए, उसके बारे में जानते। थाना अंता पर दिनांक 2 जून और 17 जून दो FIR मजमून था कि अंता थाना क्षेत्र में NH 27 गुजरता है, उसमें मोटरसाइकिलों पर तीन चार व्यक्ति सवार होकर अकेली सवारी या डबल सवारी वाली मोटरसाइकिलों को तलाशते हैं और उन पर हमला कर उनसे इस संबंध में थानाधिकारी श्री लक्ष्मी चंद की निर्देशन में टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने अच्छा प्रयास करते हुए सफलता प्राप्त की है और इस लूट करने वाले हाईवे लूट के गिरोह में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दोनों सगे भाई हैं और जिनके नाम आसिक बैरवा और रंजीत बैरवा हैं और उनसे अभी दोनों ही प्रकरणों में अनुसंधान जारी है।